इस वक्त देखिए विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, केजरीवाल बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारमैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया केजरीवाल जी। मैं अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे पत्रकार भाई और बहनों, दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खड़गे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता लिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेकर हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि आप लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और दो मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे, तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया उद्धव जी। तो उद्धव ठाकरे जिन्होंने जानकारी दी अगली मीटिंग को लेकर कि अगली मीटिंग महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रही है, इस खबर पर नजर रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।